जो ठाकरे सरकार थी, जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद शहर का नामांतर करने का फैसला किया और कई फैसले उन्होंने वो मीटिंग में किए और चंद घंटे की सरकार वो रही थी और बाद में सरकार चली गई। शिंदे सरकार यहाँ पे आज मौजूद है। शिंदे सरकार आने के बाद जो भी फैसले उन्होंने लिए थे आखिरी मीटिंग में, वो सब रद्द करने का उन्होंने ऐलान किया और जो नामांतर का जो इशू था उसके बारे में शायद उन्होंने उसके ऊपर फैसला नहीं लिया। मैं औरंगाबाद कर हूँ, कल था, आज भी हूँ और कल भी रहेगा। हमारे औरंगाबाद शहर के जितने भी नागरिक हैं, जिले के नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला नहीं जाना चाहिए। जो 95 में ऐसी कोशिश हुई थी वो कोशिश नाकामयाब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट तक वो मसला चले गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिनाई कर दिया था। सरकार ने आखिरी बार वो केस भी वापस लिया था और हम अभी जानना चाहते हैं लोगों से, और लोगों ने भी हमको ऐसी राय दी है कि हम औरंगाबाद का रहे और औरंगाबाद कर ही रहना हम चाहते हैं। तो हम लोकशाही माध्यम से ऐसी हमारी तैयारी हो गई कि आने वाले 12 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के वहाँ से एक बड़ा जुलूस जो 50,000 के तादाद में होगा वो अवकाश मैदान में जाएगा। उसमें बाबा साहब का संविधान और एक अपने भारत देश का जो सिंबल है तिरंगा ध्वज, वो हमारे हाथ में रहेगा। कोई पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, कोई समाज का झंडा नहीं रहेगा और हम मूक मोर्चा जिसको बोलते हैं, सरकार को जगाने के लिए हमारे ये मोर्चा होने वाला है और हमारा विरोध कायम करने के लिए मोर्चा होने वाला है। मोर्चे में हर पार्टी के लोग यहाँ पे शामिल है। गिने चुने पार्टी के लोग जिनका हिंदुत्ववादी एजेंडा है वो हमारे साथ में नहीं आएंगे, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो औरंगाबाद चाहते हैं, जो औरंगाबादकर है, वो इस मोर्चे में शामिल हो गए और सभी ने इस मोर्चे में शामिल होने की कोशिश करना चाहिए। इतने हम समिति की ओर से गुजारिश करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने जो लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन लिया कि 12 तारीख को एक हम सर्वपक्षीय एक मोर्चा निकालने वाले हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भड़कल गेट से जो है तो उनके हाथ डाल के उनके बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ से जो है मोर्चा निकलेगा और आम खास तक ये मुख मोर्चा जाएगा। कोई घोषणा नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, नामांतर के विरोध में। हम ये चाहते हैं कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। कि हम ये कहे इसके लिए हम सड़क की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं और पीसफुल मोमेंट यानी बहुत ही एहतियात के साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो घूम के अंदर भी जाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो कितने अंदाज से ये इसको हम लड़ना चाहते हैं, कितने लोग शामिल होने वाले हैं मोर्चे में? मोर्चे के अंदर अभी हमारे गौतम भरासानी होता है, कम से कम 50,000 लोग हमारे रहेंगे और कोशिश करेंगे इससे कहीं ज़्यादा हो। हमारा शुरू करेंगे हम जो है तो यहाँ से बाबा साहब के पुतले से उनका आशीर्वाद लेके, तो हम खास तक जो है तो हमारी पब्लिक रहेंगी। झंडा कौन सा रहने वाला है? झंडा हमारा खाली तिरंगा झंडा रहेगा, एक झंडा रहेगा तिरंगा, जो इंडिया का हिंदुस्तान का फ्लैग है वो रहेगा। नहीं, अभी तो जो संकट है अभी आपके सामने तार उतर आए, ये लोग संकट ले लिया आपने, अब इसके आगे और लोग हमसे शामिल हो रहे हैं। बहुत लोगों के फोन आए थे, अभी अशफाक सलामी साहब है, वो भी बोले मैं पहुँच नहीं सका, जुम्मा था, नमाज के लिए बहुत सारे लोग नहीं आ सके, तो फिर भी हम एक मीटिंग और लेंगे एक दो रोज के बाद में और फिर और आपको पूरा बताएंगे संगठना कितना हमको यही करके। और तकरीबन लोग हमारे साथ में जुड़ने को तैयार है, पूरे औरंगाबाद के लोग हमारे साथ में आने को तैयार है। कोर्ट का काम जो है इंतजाज दिल्ली से बड़े बड़े लॉयर से बात करके कोर्ट का काम भी वो जो है कोर्ट में कैसे जाना वो हमारे खासदार साहब कर रहे हैं, वो भी है। दूसरी एक बात ये है कि ये जो ड्राव पास किया गया INVD का कैबिनेट के अंदर, ये ड्राव जो है तो ये गवर्नमेंट जो है जाते जाते डूबते को तिनके का सहारा, उन्हें डूब रहे थे बोले कम से कम इतना एक सोचा छोड़ के चले जाओ। अब ये जो नई गवर्नमेंट बनी शिंदे साहब की कैबिनेट, ये लोग चाहते इनकी जो ड्राव इन्होंने पास करे थे INVD में जल्दबाजी में जो पास करे थे, ये गवर्नमेंट सबको रद्द कर दे रही। हम शिंदे साहब से ये गुजारिश करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि जैसे आप दूसरे ड्राव को रद्द कर रहे हैं उस तरीके से ये ड्राव को भी रद्द कर दो, तो लड़ने का झगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ये लोग पास करते हैं तो फिर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और ये आपकी लंबी जाएगी लड़ाई, हम जहाँ तक की लड़ाई जाएंगे पीसफुल मोमेंट के साथ में हम इसको लड़ने को तैयार हैं।
इसी प्रकार से राष्ट्रवादी के लोग कुछ समर्थन कर रहे हैं और कुछ आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम क्या? जिसका जमीर जिंदा है और जो औरंगाबाद से मोहब्बत करता है, डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसका जमीर जिंदा है, जिसका दिल है औरंगाबाद कर जो है, औरंगाबाद है जिसको मोहब्बत है, वो हमारे साथ आएंगे। और हम ये तो हम ये नहीं बोल रहे कि सर्वपक्षीय है, आम आदमी भी हमारे साथ में जुड़ रहा है और हमको सबको लेके हम साथ में चले। अब जो आता है तो ठीक है, नहीं आए तो भी अपनी मर्जी। जातिवादा तोन करण्यात येत असल्याचे सपट जाणवत करीत या नामांतर कडाडून विरोध केला जात आहे, त्यासाठी सदरील मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचे मोहम्मद अय्यूब टाकेदार संयोजक यांचे कळविली आहे। महाराष्ट्र या वेळी ना करण्यासाठी औरंगाबाद नामांतर विरोधी सर्व कार्यकर्त्यांची औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघट समिती गठन करण्यात आली आहे। या समितीच्या वतीने भव्य मुख्य मोर्चा आयोजन दिनांक 12/7/2022 रोजी मंगळवारी रोजी करण्यात आला आहे। सदरील मोर्चा दुपारी 2 वाजे भडकल गेट येथून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून निघणार असून आमखास मैदान येथे भव्य सभे विसर्जित होणार आहे। तिथून पुढे कमिटीचे सर्व सदस्य विभागीय आयुक्त कार्यालयात येथे जाऊन आयुक्त साहेबांना निवेदन देतील। या मोर्चा नेतृत्व सर्व पक्षीय कार्यकर्ता करणार आहे। या समितीच्या वतीने औरंगाबाद शहराच्या नामांतरात कडाडून विरोध केला आहे। लोकशाही मार्गाने या प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, तसेच ना झाल्यास पुढील लढाई मान्य न्यायालयात सुद्धा लढायची तयारी करण्यात आली आहे। शहरात अनेक विकास कामे करण्याची बाकी आहे, ते सोडून नामांतर सारखा विषय सरकारने प्राधान्य सोडविले ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे। सदरील प्रश्न हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्यात प्रश्न असून सरकार याबाबत राजकारण करीत आहे असे स्पष्ट दिसत आहे। शहराच्या नामकरण केल्यास कुठलाही प्रश्न सुटणार नाही, त्यासाठी विकासमतक कार्य करण्यासाठी शासन लक्ष द्यावे, दोन समाजातील तेढ निर्माण करण्याचा काम करू नये। सध्या शहरात पिण्याचे पाणी, रस्ते, विद्युत, शिक्षण, आरोग्य अशी विविध समस्या आहे, त्याकडे पूर्ण वेळ लक्ष देऊन प्रश्न सोडविण्याची आवश्यकता आहे। औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर असून जगभरात शहराची ओळख औरंगाबादचे नावाने पूर्णपासून आहे। जगभरात वेरूळ, अजिंठा, बीबी का मकबरा, पंचक्की, देवगिरी किल्ला यामुळे आहे। या स्थळांची भेटी देण्यासाठी येणार सर्व विदेशी नागरिकांना सुद्धा शहरात औरंगाबाद या नावाने ओळखतात। अनेक वर्षापासून असलेली ओळख त्यासाठी विरोध केलेला आहे, आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। त्याच्यानंतर हा प्रकार आमच्या काही मित्रांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा केस केली होती, त्याच्यानंतर विलासराव देशमुख आल्यानंतर ती केस रिझॉल्व्ह करण्यात आली आणि नंतर मग ते प्रकरण थांबले गेलेलं आहे। आता पुन्हा सरकारने आपला इंडिपेंडेंट अजेंडा राबवण्यासाठी कोण हिंदू, खरा हिंदू कोण, हिंदूचा रखवादार कोण, आम्ही हिंदू कोण हिंदू, अशा पद्धती सध्या यांच्यामध्ये संघर्ष चालू आहे। भाजपमध्ये चालू आहे, सेनेमध्ये चालू आहे, सेना शिंदेमध्ये चालू आहे। यांच्या चढावडीच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये औरंगाबाद शहरातील नागरिकही हा एक प्रयत्न या ठिकाणी सुरू आहे आणि आम्ही याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा याच्या बाबतीमध्ये आमची कायदेविषयक जी सल्लागार समिती आहे, आमचे जे खासदार आहेत, या जिल्ह्याचे जे खासदार आहेत, झाला नाही ना आमचे बघा खंडाळकर साहेब ऐक हा प्रश्न येतो इंतजार मी तो ऐका ना, हा काय पहिल्यांदा झाला, ही पहिली गोष्ट नाही आहे, याच्या पूर्वी पण झालेलं आहे, यापूर्वी सुद्धा घडलेल्या घटना आहेत ना। या आम्ही न्यायालयात सुद्धा जाणार आहे, ते चालूच आहे ना, ते प्रकरण चालूच होतं, त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टचा स्टे आहे होता, विलासराव देशमुखनी ते वापस घेतलं। आता काय आमची प्रोसिडिंग एक आहे तिथं, आम्ही जे उघडणार प्रश्न सगळ्यांचे पुढे उत्तर झाले। माझा प्रश्न असा आहे, माझ्या बोला ससू साहेब बोला, एक ठराव याच्यापूर्वी शासनाने केला, महापालिकेने ठराव होत राहतो, जाता जाता त्यांनी उघडी टाकली, मग 8 वर्षात का नाही केलं, आता हे कुठं जाईल, फायनल कुठं जाईल, तुम्ही कोणतात जा, कशासाठी शक्ती खर्च करता, हा प्रश्न आहे। खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे, कोई चीज़ खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे, शासनाला कळालं पाहिजे ना।
लोकशाही मार्ग ने आंदोलन करना चाहिए अधिकार है आम भावना तथे मानना है विरोध नहीं है का रत्नागिरीला रत्नागिरी मध्ये बाबासाहेबांचं गाव आहे त्यांचा जन्म तिथे मौल झाला पण त्यांचं जे जन्म गाव आहे तिथे बाबासाहेब आंबेडकरचं नाव द्या असं म्हणायचं का आम्ही सर बाबासाहेबांच्या नावांना कोणीही विरोध करणार नाही सर संभाजी महाराजांच्या नावावर विरोध करायचा विषय नाही आमचा विषय आमचा संभाजी महाराजांच्या नावाला विरोध नाही कुणाला संभाजी महाराजांचं नाव द्यावं हे आमची मागणी आहे औरंगाबाद शहरात नाव बदलून राजकारण करायचं नाही हे आमचं पहिलं प्रथम इथे या ठिकाणी सत्ताधाराला आणि शासनाला सांगणारवादी दलित बँकर्सचे आहे जनता दल आहे शेकप आहे आंबेडकर वादी अन्य अत्याचार विरोधी कृती समिती सगळं सर्व पक्ष आहेत ते आहे आरपीआय आठवले गट आहे कम्युनिस्ट पक्ष सीपीएम आहे सीपीआय आहे जेवढे डावे आणि जेवढे पुरोगामी चळवळीतले पक्ष आहेत जे चालवतात ते सगळे त्याच्यामध्ये सहभागी आहेत आणि हा जो मोर्चा आहे हा मोर्चा औरंगाबाद शहरातील नागरिकांचा मोर्चा आहे याचं लीड करायला शहरातील पत्रकार आहे विचारवंत आहे आम्ही औरंगाबादकर आणि तुम्ही सर्व औरंगाबादकर।